करते हैं आप सभी, बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को जय श्री श्याम। सो गाइस, आज है बछमारस, गाय और बछड़े की पूजा होती है आज के दिन। और आज के दिन जो है गेहूँ, खास तौर से गेहूँ और चावल नहीं खाते हैं भाई हम लोग, और कटा हुआ भी नहीं खाते, मतलब चाकू से काट के कोई भी चीज़ नहीं बनानी है। और पूजा करने जा रही हूँ, और देखिए पूजा की थाली में मेरे क्या क्या है। रोली है, हल्दी है, लच्छा है, माचिस तो मैंने अगरबत्ती जलाने के लिए रख ली है, दही है, मूंग है, चने हैं और जल है। तो इसी से मैं गाय माता की पूजा करूंगी। और आज के दिन स्पेशली गाय, मतलब दोनों माँ बेटे की पूजा होती है, गाय के साथ बछड़े की भी पूजा होती है। तो चलिए चलते हैं फटाफट से पूजा कर आते हैं। गेट लगा लेना। अच्छा, हमारे घर से थोड़ी सी दूर पर ही ना गाय और बछड़े को ना बांध करके रखते हैं, ताकि कि किसी को भी पूजन करने में कोई भी दिक्कत ना रहे। तो मैं घर से निकल गई हूँ, तो ना यहाँ चौराहे से आगे जाकर के ही यहाँ पर गाय भैंस सब जो है मिल जाती हैं। मुझे लगा था काफ़ी सारी लेडीज़ें मुझे मिल जाएंगी जब मैं पूजा करने जाऊँगी, पर मैं गई तब तक कोई भी नहीं था। होता है ना कि कुछ लोग क्या होता है, जल्दी सुबह उठकर ही पूजा कर लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा लेट करते हैं। मैं हो सकता है थोड़ा सा लेट हो गई, पर यहाँ पर गाय माता जो है बंधी हुई हैं और इसका बछड़ा भी बंधा हुआ है। और हमारे पीछे की साइड में भी ना एक जगह गाय होता है ना, गाय और बछड़े को बांध करके रखते हैं। तो दो जगह अगर हो जाए तो ये रहता है कि आधी आधी जगह लेडीज़ें बट जाती हैं। और यहाँ पर मैं आंटी से पूछ रही थी कि भाई ये गाय मारती तो नहीं है ना, पर डर तो लगता ही है गाय माता की पूजा करने में, क्योंकि कुछ गाय तो बड़ी सीधी होती हैं और कुछ गाय ना बड़ी तेज़ होती हैं भाई, उनके पास में जाते हैं ना तो वो ख़तरनाक तरीके से मुंह को हिलाती हैं। वैसे ये गाय ठीक ठाक थी, इसने मुझे आसानी से जो है पूजन करने दिया आराम से। तो मैं यहाँ पर गाय माता की जो है पूजा कर लूँगी। और मैंने ना यहाँ पर एक फ़ोटो भी क्लिक करवाया था गाय माता के साथ में, तो ना मैंने अच्छे से सारी हल्दी, कुमकुम और लच्छा वगैरह सब लगा करके अच्छे से जो है पूजा कर दूंगी। और बछवारस के दिन यूँ कहते हैं कि जो बच्चों की माएँ होती हैं ना, ख़ास तौर से बेटे की माँ, उसको बछवारस की पूजा ज़रूरी से करनी चाहिए। और इसकी कथा भी हमेशा से सुननी चाहिए। और उस कथा में विशेष बताया गया है कि हमें गेहूँ क्यों नहीं खाना चाहिए, इसलिए हम गेहूँ और चावल जो है नहीं खाते हैं इस दिन। और मैंने इसको चने खिलाने की कोशिश करी गाय माता को, पर गाय माता ने खाए नहीं, थोड़े बहुत ही खाए, क्योंकि हो सकता है उनका ऑलरेडी पेट भर रहा है शायद। और मैंने यहाँ पर ब्लाउज पीस उड़ाया गाय माता को और फटाफट से देखिए हटा दिया ऐसे ही है भाई, तो मैंने एक तरफ रख दिए। तो ये है हमारी गाय माता प्यारी सी। और ये है इस गाय का प्यारा सा छोटू सा बछड़ा, तो मैं इसकी भी अच्छे से जो है पूजा कर लूँगी। और ये तो खैर अच्छा ही है, छोटा भी है तो इसने कुछ नहीं कराया भाई, इसने आराम से पूरी पूजा करवा ली है। और अभी मैं यहाँ पर परिक्रमा दे लूँगी, गाय माता की ना परिक्रमा ज़रूरी से देनी चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर गाय माता की जो है परिक्रमा दे लूँगी। और इसके बाद मैं जाऊँगी घर पर, क्योंकि अभी ना मिष्टी और भृगु आज जो है स्कूल नहीं गए हैं, उन्होंने आज छुट्टी कर ली है, तो मुझे खाना पीना भी बनाना है, तो उनको हम घर पर ही छोड़ करके आए हैं। तो फटाफट से परिक्रमा दे करके मैं चली जाऊंगी घर पर। और घर पर आने के बाद यहाँ पर सुन रही हूँ कथा, क्योंकि के वहाँ पर कोई भी लेडीज़ें नहीं थी ना, तो घर पर आकर ऐसे फ़ोन में ही कथा चला ली है मैंने। और वैसे काफ़ी अच्छी फैसिलिटी हो गई है, फ़ोन में आजकल सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप लगाओ कथा और सुन लो फटाफट से। तो मैं यहाँ पर ना बैठ कर के कथा सुन लूँगी, तो उससे क्या है मेरी पूजा संपन्न हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए भृगु के लगाया है मैंने तिलक, और उसको यहाँ पर दे दूंगी मैं नारियल, क्योंकि गाय जिस दिन ना बछवारस के दिन ऐसे बेटों के हाथ में तिलक लगा करके बच्चों के हाथ में मतलब नारियल को जो है पकड़ाते हैं। इसके बाद मैंने मिष्टी के भी यहाँ पर तिलक लगाया है, और उसके भी हाथ में ना थोड़ा सा मैं नारियल जो है पकड़ा दूंगी, और वो भी ना खुश हो रही थी। और यहाँ पर भृगु ने मेरे जो है अच्छे से पेड़ वगैरह जो है छीन लिए हैं, तो यहाँ पर मिष्टी के लगाऊंगी तिलक और उसको भी दे दूंगी यही नारियल।
और आ गई हूँ किचन में खाने पीने की तैयारी करने के लिए। तो गेहूं की रोटी तो मैंने इनके लिए सेक दी थी पहले ही, उसके बाद मैंने यहाँ पर लगाया है ये मक्की का आटा, क्योंकि के इनको क्या है अच्छे से पूरी ये बाजरे की और मक्की की रोटी नहीं खाते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने लिए और इनके लिए भी ख़ास तौर से एक इनको लेना होगा तो एक ले ही लेंगे, उसमें से यहाँ पर बना लूँगी मक्के की रोटी। तो मैंने ना जो मक्के का आटा है उसको गर्म पानी से गूंधा है, उसके बाद ऐसे हल्के हाथ से ही मैं बेल करके और जो है मक्के की रोटी को धीमे धीमे आँच पर मैं सेक लूँगी। और यहाँ पर मैंने रात में ही चने जो गलाए थे उसमें से बच गए हैं कुछ चने और थोड़े से मूंग, और ये है मेरे दही के आलू की सब्जी। और इसमें मैंने ना खूब सारी ये ना साबुत मिर्ची भी डाल दी है, क्योंकि इन्होंने ही बोला था कि भाई साबुत मिर्ची इस तरह से डाल देना तो क्या साथ में हो जाएगी, अच्छी भी लगती है खाने में। और यहाँ पर एक तरफ मेरी मक्के की रोटी देख सकते हैं आप, धीमी धीमी आँच पर जो है सिक रही है। मक्के की रोटी को जब भी सेकें अच्छे से धीमी धीमी आँच पर ही जो है सेक लेना चाहिए, नहीं तो फिर क्या है कच्ची रह जाती है, ये अच्छे से सिक नहीं पाती है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से जो है रोटी को सेक लूँ। और ज़रूरी नहीं है आप मक्के की रोटी बनाएं, आप बाजरे की भी रोटी बना सकते हैं, आप बेसन का चीला भी बना सकते हैं, क्योंकि इस दिन ख़ास तौर से ना गेहूं और चावल नहीं खाने होते ना, तो आप बेसन से रिलेटेड चीज़ें भी बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने एक तरफ जो चने हैं इनको भी फ्राई पैन में छोंक लिया है सारे मसाले डाल करके। सो गाइस देखिए ये है मेरी बचवारस वाली थाली। तो इसमें है आलू दही वाले, इसमें मिर्ची ना मैंने जानबूझ के डाली, इस तरह से खाते हैं ना तो अच्छी लगती है। और उसमें कट नहीं लगाया क्योंकि चाकू का यूज़ नहीं करना भाई। और चने बना लिए हैं, मक्के की गर्मा गर्म रोटी है। तो फिलहाल खा लेते हैं खाना। आज के दिन ना हम तो भाई व्रत नहीं करते, करने वाले शायद ब्रजवास का व्रत भी करते हैं पर मैं नहीं करती हूँ। तो सारे दिन गेहूँ नहीं खाना है और सब कुछ खाना है, तो सब कुछ खा सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं खाना खा लेती हूँ और अपने वीडियो को यहीं पर एंड कर देती हूँ। आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।